November just got better with 5paisa. Enjoy 30 days of free brokerage. That's right, zero brokerage for an entire month. November ka naya trend 5paisa ke saath. Brokerage ka the end. Hello everyone, welcome to 5paisa. Is video mein hum dekhne wale hain intraday ke Nifty and Bank Nifty ke levels. Iske alawa har roz ki tarah aaj bhi aapko denge 5 stock ke recommendations yani ki 5 momentum stocks for the day. और साथ ही जो स्टॉक्स आपको हम पहले रेकमेंड कर चुके हैं उनके परफॉर्मेंसेस की भी बात करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टारगेट उन्होंने अचीव किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो डेली स्टॉक रिलेटेड रेकमेंडेशंस और साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल 23,330 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 23,200 का है, पहला रेजिस्टेंस 23,590 का है और दूसरा रेजिस्टेंस 23,800 का है। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की भी बात करते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 50,033 का, वहीं दूसरा सपोर्ट लेवल 49,790 का है, पहला रेजिस्टेंस 50,600 और दूसरा 50,850 का है। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है इन स्टॉक्स का 7 टू 10 डेज। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन आज के लिए है स्वान एनर्जी। बुलिश पैटर्न है यहां पर, तो बाय कर सकते हैं 546 पर, स्टॉप लॉस 525, पहला टारगेट 567 और दूसरा टारगेट 582 पर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, वॉल्यूम स्पॉट है यहां पर, इसे आप बाय कर सकते हैं 819 पर, स्टॉप लॉस 786 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 852 और दूसरा टारगेट 876 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है जैगल, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, इसे आप बाय कर सकते हैं 443 पर, स्टॉप लॉस 426, पहला टारगेट 460 और दूसरा टारगेट 474 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है BSE, बुलिश मोमेंटम है यहाँ पर, इसे आप बाय कर सकते हैं 4706 पर, स्टॉप लॉस 4565, पहला टारगेट 4847 और दूसरा टारगेट 4950 पर रख सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड, राइजिंग वॉल्यूम है यहाँ पर, इसे आप बाय कर सकते हैं 1135 पर, स्टॉप लॉस 1098, पहला टारगेट 1172 और दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 1195 पर। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की, यानी कि जो स्टॉक्स आपको हमने रेकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले एजिस लॉजिस्टिक्स वेंट अप 4% फर्स्ट टारगेट अचीव, दीपक फर्टिलाइजर्स वेंट अप 3% फर्स्ट टारगेट अचीव, सुप्रिया वेंट अप 2.2% एंड दालमिया भारत फ्यूचर्स वेंट डाउन 1.8%। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको याद दिला दूं कि 5paisa के नो ब्रोकरेज नवंबर ऑफर के साथ आपको 30 दिन का फ्री ब्रोकरेज मिलता है, तो अपने नवंबर को ब्रोकरेज फ्री बनाइए और बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। और साथ ही आपके फीडबैक सजेशन हमें कॉमेंट सेक्शन में देते रहिए।